हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग एंड आई एम सुमन एंड आज है संडे और आज मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ अपने फैक्ट टू फैब चैनल पे, सुमन सनशाइन सीक्रेट पे नहीं, जहाँ पे मेरे व्लॉग्स आते हैं। सो आज का व्लॉग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है बिकॉज आज मैं बात करने वाली हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी की, जो कि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ एंड कुछ फ्यू टिप्स डू एंड डोंट्स एंड आगे का क्या फर्दर प्लान है रिलेटेड टू माई वेट लॉस जर्नी, व्हाट इज़ माई करंट वेट एंड पूरा व्लॉग के साथ मैं आपको दिखाऊंगी क्या मेरे दिमाग में खुराफाती अब दोबारा चल गया है एंड कुछ चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहती थी बहुत टाइम पहले, 2-3 महीने पहले, पर सिचुएशन थोड़ी ख़राब थी एंड अभी मैं बताऊंगी कि अभी सिचुएशन कैसी है। सो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं उठी हूँ एंड घर में मेरे क्लाइंट आ गए थे संडे को फॉर जस्ट रैंडम भाई दूज। सो अभी मैं लूँगी शार एंड उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ नाश्ते पर। आफ्टर शार मम्मा और बेटा टाइम, तभी से हाय गुस्से में अभी चोटी नहीं करी है, तभी हेलो बोल रहे। अच्छा नहीं बोल रहा, नहीं बोलना टफी को, हेलो नहीं बोलना, हेलो बोलना। अच्छा सॉरी, मम्मा का बिगड़ा बच्चा, बिगड़ी हुई औलाद है, बिगड़ी हुई। सारे डॉक्टर क्या कहते हैं, टफी आपने बहुत सर पे चढ़ा रखा, ओवर पैम्पर्ड बच्चा है। ओके, मैं निकली हूँ मेरी मम्मा से मिलने और थोड़ा बहुत सामान लेने एंड गुड़गांव, बट उससे पहले ये जो टफी महाराज है ना हमारे, दिखाना है इसको, ये रहा टफी महाराज, कहीं पे भी जाना उससे पहले इसको चक्कर कटवाना बहुत ज़रूरी है, इसकी गेड़ी पहले है, बाद में हमारे काम होते हैं, अदरवाइज हमारे बस की नहीं है कि हम घर से बाहर एक मिनट भी इसके बिना निकल सकें। सो अभी मैं इसको एक चक्कर कटाऊंगी, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारी बातें बतानी है। जी, सो टफी को मैंने उतार दिया था, सच अ नॉटी बच्चा ही इज़ एंड अभी मैं निकल चुकी हूँ गुड़गांव के लिए, मेरे को मम्मा के लिए थोड़ा सा सामान लेना है और मम्मा से मिलना है, प्लस मेरी ना एक बिस्किट की फैक्ट्री थी 3.5 साल से यहाँ पे दिल्ली जी के में, बट उसको मुझे रेंटल बहुत ज़्यादा लग रहा था, तो दिवाली के बाद मेरा प्लान था कि उसको गुड़गांव में शिफ्ट करना है, सो मैंने उसको अभी शिफ्टिंग करा है, इसलिए मेरी कुछ यूट्यूब की वीडियोज़ जो हैं वो डिले आ रही थी। सो अभी मैं गुड़गांव जा रही हूँ, वहाँ पर थोड़ा सा सेटअप और करना है और जो मेरा स्टाफ है, जितने भी मेरे लोग वहाँ पे काम करते हैं, उन सबको थोड़ा सिस्टमाइज करके थोड़ी सी चीज़ें करूँगी, फिर उसके बाद मैं आपको पूरी कहानी बताऊँगी कि मैंने मतलब चीज़ें हुई क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप लोगों को क्लियर नहीं है, काफ़ी चीज़ें हैं कि मैं मेल्स का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हूँ बहुत टाइम से, 20th August लास्ट मेल का रिप्लाई गया हुआ है, मैंने कल ही पूरा बैठ के देखा है। सो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगी डिटेल में। सो या चलते हैं गुड़गांव। ओके, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 4:30 एंड 4:35 या सो मैंने अपनी मम्मा का दवाइयाँ सेट कर दी हैं, मैं बेकरी पे आधा काम अपना सॉर्ट आउट कर चुकी हूँ, अब मैं थोड़ा सा और वहाँ पे सेटल डाउन करने जाऊँगी एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा शॉपिंग करूँगी ग्रॉसरी का अपना, फिर मैं घर के लिए निकलूँगी। सो आज का पूरा दिन बहुत ही दिक्कत में है, मतलब काम काज में है, दिक्कत में नहीं है, अच्छी बात है एंड मैंने पानी का अभी तक 2 लीटर पिया है और अब मैं थोड़ा सा पानी और पीऊँगी, मेरे पास बॉटल्स रहती हैं 4 लीटर पानी मैं अपने साथ लेके चलती हूँ एंड पास में गलेरिया का मार्केट है, या तो मैंने घर पे वॉशरूम यूज़ किया था या फिर गलेरिया का मार्केट है, मैं वहाँ पे जाके वॉशरूम जो है यूज़ करूँगी। ये पीछे कुछ सामान है पूरा, ये मैंने अच्छा शाम गारमेंट्स का बहुत अच्छा कलेक्शन है, अगर आप लोग अपनी मम्मा के लिए स्वेटर्स या फिर कुछ देखना चाहते हो, लेना चाहते हो, तो वहाँ का कलेक्शन इस टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, मैंने लास्ट ईयर लिया था, दिस ईयर भी मैं गई थी, लास्ट ईयर कलेक्शन बहुत अच्छा था, आज इस बार का कलेक्शन भी और बहुत अच्छा है। I'll see you soon. अब मैं आराम से गाड़ी चलाती हूँ और पहुँचती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ओके, सो आई एम एट होम एंड मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुआ है, स्नेल मेरा टूट गया आज और मैं अभी आगे चेंज करूँगी एंड उसके बाद आई विल सिट एंड टॉक विद यू। हेयर आई हैव दिस छोटा मेरा क्यूटू बच्चा, अभी खेलते हैं ठीक है।
Okay, so point is, I really want to start my own weight loss journey. My current weight is I guess 61 point something, and मैंने अपना वेट कर लिया था 57. ये रही वो पिक्चर, मैं बिल्कुल लीन हो गई थी इस पिक्चर में, बिल्कुल लीन थी. एंड दिस इज़ लाइक हार्ड कोर वाया डाइट ओनली. एंड मैं जिम नहीं जा रही, पिछले एक से एक महीना हो गया मुझे ऑलमोस्ट मैं जिम नहीं जा पा रही. गई भी होंगी तो हार्डली 5-10 मिनट्स के लिए जिम गए और मन नहीं किया तो वापस आ गए. सो द पॉइंट इज़, मैं अपना वेट करना चाहती हूँ 55 to 54 के बीच में. बट मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया था दिस ईयर जनवरी में, और मार्च तक मेरा वेट 63 से मैं लेके आई थी 57 तक. मार्च में मैं दुबई गई थी, एंड ये नहीं मेरी पिक्चर्स जहाँ पे मैं बिल्कुल लीन थी. मेरे दिस वैलेंटाइंस पे भी मैं बहुत ज़्यादा पतली दिख रही थी, एंड मेरा जो वेट था वो बहुत अच्छा बैलेंस हो गया था. मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई थी, एंड मैंने वाया डाइट ओनली अपना वेट लॉस किया था. नाउ प्रॉब्लम इज़, मैं उसको मेनटेन करी थी बहुत अच्छे से. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4th of July को मेरे गुड़गांव वाले घर में कुछ एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ था, एंड वो मेरे डिवोर्स से भी बड़ी चीज़ थी. समथिंग बिग, कुछ बड़ी चीज़ मुझे बहुत पुरानी हम सबको पता चली थी, एंड वी ऑल आर इन शॉक. सो वहाँ से सिचुएशन मेरी ख़राब हुई, एंड दैट इज़ समथिंग विच इज़ लाइक आई कॉन्ट इग्नोर. एंड पॉइंट इज़ कि मेरी मम्मा के साथ कुछ पंगा रहता, सो इट्स लाइक डैमेज माई माइंड टोटली. बट जुलाई के बाद मेरे को 15 से 20 दिन लगे थे आई वॉज ऑन अ बेड बिकॉज ऑफ ह्यूज एनजाइटी एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज लाइक काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ गई थी. बट उसके बाद ना धीरे 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 मैं रिकवर हुई हूँ, बिकॉज आगे तो बढ़ना ही है, चीज़ें ठीक करनी है. बट वो स्ट्रेस में ओवर थिंकिंग, एंड फिर दिवाली के आसपास बिकॉज ऑफ द बेकरी बिजनेस बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाती हैं चीज़ें. एंड देन उसके बाद ह्यूज वर्क प्रेशर, नींद ना आना, और काफ़ी सारी चीज़ों की वजह से मेरा 57 से आई गेंड लाइक 61. सो मेरे को 61 का ये जो स्लैब था इसको फिर से काटने का मन था. मैं इंटरनली बहुत चाहती थी मैं काटूं, बट बिकॉज मेरे बैच में जितने लोग थे जो मुझे दिक्कत देते थे या मेरे लाइक मुझे गुस्सा दिलाते थे या टू बी ऑनेस्ट या इरिटेट करते थे, तो मैंने सबसे पहले ना मैं सोच रही थी मैं जर्नी स्टार्ट करूं, बट उससे पहले मैंने कुछ फ्यू स्टेप्स लिए हैं जो कि किसी भी वेट लॉस जर्नी के लिए एक वैल्यू रखते हैं. नंबर वन इज़ जितने भी इरिटेटेड या डिस्टर्बिंग लोग थे मेरी लाइफ के, मैंने उन सबको फिल्टर करा है. मैंने अपने बैच से बहुत सारे लोगों को निकाला है. मैंने 20th of August तक का लास्ट ईमेल का रिप्लाई दे रखा है. 20th of August के बाद जितने भी मेल्स हैं उनका मैंने बहुत कम रिप्लाई करा है, आंटी अनलेस वो मेरे पर्सनल व्हाट्सएप के नंबर पे मेरे पास आई नहीं है ईमेल आईडीज. एंड मैं सबसे पहले ना फिल्ट्रेशन कर रही थी कि बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कि मुझे बहुत ही इरिटेट करते थे, दिक्कत देते थे, जिनको सुबह दोपहर रात शाम तक दिक्कत ही दिक्कत रहती थी. सो आई पर्सनली फील लाइक कि नहीं, इनको थोड़ा सा साइड करो तभी जाके मैं फोकस कर पाऊँगी. काफ़ी क्लाइंट्स मेरे पास सिर्फ ये बात करने आते हैं कि व्हाट इज़ माय सोर्सेज ऑफ अर्निंग, या फिर उनको न्यूट्रिशनिस्ट या डाइटिशियन बनने का मन है तो वो जस्ट गाइडेंस के लिए आते हैं फी भर के, उनको वेट लॉस करने का कोई मन नहीं है. सो मैं यहाँ पे कोई चीज़ें नहीं मतलब करने बैठी हूँ. मेरे काफ़ी सारे सर्टिफिकेशन चल रहे हैं, पढ़ाइयाँ चल रही हैं. मेरा अभी एक हार्वर्ड का सर्टिफिकेशन क्रैक हुआ था जो कि मैंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करा था. अब उसके बाद मेरा एक और बड़ा सर्टिफिकेशन चल रहा है जो कि दिसंबर एंड तक मैं उसको क्लियर कर लूँगी, एंड मैं अगेन वो पोस्ट करूँगी ऑन माई इंस्टाग्राम. नेक्स्ट पॉइंट आता है यहाँ पर कि अगर आप लोग जो भी मेरे पास एनरोल करने आ रहे हो, अगर आप लोग सीरियस हो, टाइम पास के लिए नहीं हो, या फिर दोस्ती बनाने के लिए नहीं हो, या गप्पों के लिए नहीं हो, तभी आप मेरा बैच ज्वाइन करो, अदरवाइज मेरे बैच में मत आओ. ये आपका और मेरा दोनों का टाइम वेस्टिंग है. सबसे पहले तो मैंने अपनी लाइफ से फिल्टरेशन लगाई है. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैंने फ़िल्टर कर करके बैच से निकाला है, एंड उसके बाद मैं थोड़ा सा माइंड मेरा हल्का हुआ है, रिलैक्स हुआ है. उसके बाद जाके ही मैंने ये डिसीजन लिया कि अब मैं दोबारा से अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ. एंड आई रियली वॉन्ट टू शो यू गाइज कि खाते पीते और प्रॉपर अपना मील लेकर भी आप कैसे अपना वेट लॉस कर सकते हो. सबसे पहली चीज़, मैंने अपना स्ट्रेस हटाया है, मैंने ओवर थिंकिंग हटाई है जो भी जुलाई में मैटर हुआ था, वरना मुझे चलती फिरती चीज़ों का कभी भी कोई स्ट्रेस आता नहीं है. नंबर टू इज़, मैंने मेरे को जो लोग गुस्सा दिलाते थे मैंने उनको बिल्कुल अपने बैच से बाहर कराया है. नंबर थ्री एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ इज़, जो लोग मुझे बिना मतलब के फूड ऑफर करते हैं कि खा ले कुछ नहीं होता, या फिर एक्स वाई जी
जिनको प्रॉब्लम रहती है कि व्हेन आई गो ऑन अ डाइट वो तभी पकड़ते हैं मुझे, तो मैंने उनको बिल्कुल अच्छे से धमका के साइड करा है. नंबर फोर इज मैंने अपना स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल ठीक करा है. मैंने अपना वर्क इस अकॉर्डिंग चीजें रखी हैं कि मेरी नींद जो है वो प्रॉपर मुझे 8 घंटे की मिल जाए, सो दैट कि मेरा वेट जो है वो प्रॉपर बैलेंस हो पाए. सो कल सुबह मैं अपना वेट चेक करूंगी एंड आई विल स्टार्ट दिस जर्नी. मैं ब्लॉग पोस्ट करूंगी व्हाट आई ईट इन अ डे एंड अपडेट माय वेट कि कितने टाइम में कितना कितना गिर रहा है. समटाइम्स व्लॉग डिले होगा, समटाइम्स आई विल मेक अ व्लॉग. अगर मेरा काम थोड़ा सा हिलता है तब मैं वीडियोस बनाना थोड़ा कम कर देती हूँ, बट मैं ट्राई करूंगी कि मैं व्लॉग बनाऊँ. अभी आई गॉट दिस काइंड ऑफ एक्ने ऑन माई फेस, दिस एक्ने यहाँ पे थोड़ा सा डैमेज हुआ था, दैट्स इट. मेजरली मेरे फेस पे इतना प्रॉब्लम नहीं आया है. सो मैं अभी चीज़ों पे रिकवर कर गई, काम कर रही हूँ और मैं कोशिश करूँगी मेरी स्किन बहुत ठीक हो जाए और मेरे फेस पे ये जो फ्लफीनेस आई है, दिस स्वेलिंग, ये भी चली जाए. सो मैं अब यहाँ पे चीज़ें पोस्ट करूँगी व्हाट आई ईट इन अ डे और हाउ लाइक आई लॉस, मैं अपना वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ. कल सुबह मैं अपना वेट चेक करूँगी, वो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी एग्जैक्टली मेरा वेट सुबह का आया कितना है. माइट बी इट 61.9 और माइट बी इट 62, लेट्स सी कितना आता है. यहीं पे देते मेरे बच्चे, सो उसके अकॉर्डिंग ही आई विल अपडेट यू गाइज. एंड या सो अभी मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पोस्ट कर रही हूँ बिकॉज बहुत टाइम हो गया मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आई, मैंने लाइव अपडेट नहीं दिया क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है, वेयर आई लॉस एंड लाइक लाइफ अपडेट क्या है, चीज़ें क्या हैं. एंड बहुत सारी चीज़ों से मैं गायब हूँ, ऑल बिकॉज ऑफ जुलाई में मेरा बर्थडे मंथ भी था और मैंने बहुत अच्छा प्लान करा था अपने लिए सम बिग थिंग इन दुबई, बट कुछ 4th of July को कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि मुझे, मैंने जो चीज़ें कर रखी थी इन दुबई वहाँ से मुझे शिफ्ट करके लॉस में यहाँ इंडिया में मेरे को चीज़ें सेटल डाउन करनी पड़ी एंड कुछ मैस हुआ था. और उसके बाद ही मैंने डिसाइड करा था कि मैं अपनी लाइफ पे एक ऑटोबायोग्राफी लिखूंगी बिकॉज आई हैव बिन थ्रू अ लॉट मेंटली इमोशनली. इट्स लाइक हाई टाइम फॉर मी दैट आई हैव बिन थ्रू अ लॉट एंड मैंने मेंटली अपने आप को बहुत स्ट्रांग करा है एंड मेरा मेंटल लेवल जैसे ही स्ट्रांग हुआ है मैंने चीज़ें आगे वर्क करी हैं बिकॉज जो जो चीज़ें होती थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी हैं, बट ये कुछ ऐसी चीज़ें जो मैंने यहाँ पे शेयर नहीं कर सकती. मैंने बुक डिसाइड करा है लिखने का एंड बहुत अच्छे राइटर हैं जो मेरी बुक लिख रहे हैं. इफ़ यू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम वहाँ पर आप देखते हो कि मैं उनको टैग करती हूँ. एंड मेरी बुक प्रोबेबली दिसंबर या जनवरी में आएगी, पार्ट 1 एंड देन पार्ट 2 देन पार्ट 3 एंड देन पार्ट 4 एंड आई होप लाइक जो चीज़ मैं एक्सप्लेन करना चाहती हूँ वहाँ पे हो, क्योंकि मैं आई एम अ डाई हार्ट भक्त ऑफ विष्णु भगवान जी एंड कृष्ण भगवान जी एंड उन्होंने भी कहा है कि सहन करने वाला ज़्यादा यू नो गलत है रेदर देन गलत करने वाला. और मुझे ऐसा लगता है कि फीमेल्स के साथ अगर कुछ रॉन्ग हो रहा होता है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए. एंड सम वेरी डिसहार्टन वाली चीज़ हुई है एंड मैं वो बुक लिख रही हूँ एंड उस बुक के अंदर चीज़ें आएंगी. सो या दैट्स इट. मैंने अपने आप पे बहुत काम किया है जुलाई के बाद अपने मेंटल लेवल पे कि ओके फाइन, एक झटका और सही लाइफ में, फाइन कुछ और सही लाइफ में, कोई बात नहीं, चीज़ें हो जाती हैं, होती हैं. तो मुझे ऐसा लगता है कि दिन मूव कर रहा है, टाइम मूव कर रहा है, चीज़ें मूव कर रही हैं और हम अपने आप को रोक रहे हैं. ये चीज़ मेरे को बहुत गलत लगी है. मुझे अभी सारे जो साइज मैं पहनती हूँ वो मेरा 26 हाई वेस्ट है, 28 लो वेस्ट में पहन रही हूँ एंड मेरा जो ड्रेसेस का साइज़ आता है वो भी मुझे स्मॉल आता है या एक्स्ट्रा स्मॉल आता है, बट आई रियली वॉन्ट टू शेड माई एक्स्ट्रा 6-7 किलोज एंड मेरे को बिल्कुल लीन बॉडी चाहिए था बहुत टाइम से, बट मेरी चीज़ें ऐसी ऐसी हुई हैं जो कि मैं बिल्कुल इग्नोर नहीं कर पा रही थी एंड दिस बेकरी जो चीज़ें थी वो बहुत ज़्यादा पम्प अप हो गई थी. बट अभी मुझे लगता है कि दिस इज़ अ हाई टाइम फॉर मी, आई शुड फोकस ऑन माई सेल्फ ऑल्सो एंड चीज़ें ठीक करनी बहुत ज़रूरी हैं. सो या लेट्स स्टार्ट अ न्यू जर्नी एंड मैंने अपना वेट 98 किलो 700 ग्राम से 63 और 60 के बीच में घुमाया है और लाइक मेंटेन करा है पास्ट 2.5 ईयर से ऑलमोस्ट. अब ये वेट मेरा बिल्कुल अच्छे से मेंटेन है, चीज़ें मेंटेन्ड है. मेरा वेट मैक्सिमम अगर मैं खा भी लेती हूँ तब भी हो जाता है 63 तक, बट वो मेरा जो वेट है वो 63 पे बिल्कुल स्टक हो जाता है, ना वो वहाँ से बढ़ता है ना वो वहाँ से गिरता है, वो उस पर बैलेंस है. मैंने रिसेंटली अपने सारे ब्लड टेस्ट कराए हैं, माई वाइटामिन डी इज़ लिटिल लो, दैट्स इट. एंड उसके अलावा मेरे को और कोई प्रॉब्लम नहीं है. माई किडनी फंक्शन इज़ ओके, लिपिड प्रोफाइल इज़ ओके, माई KFT LFT
my iron, ferritin, B12, everything is absolutely fine. The problem which I have is little vitamin D3 deficiency. वो भी अभी मैं fish खाऊंगी. Winters आ चुके हैं और मेरा vitamin D का weekly एक छोटा सा supplement चलेगा, which is like okay fine. And धूप आ रही है, winters है, मैं धूप में बैठ के cover कर लूँगी. बाकी या एंड लेट्स सी अब ये जर्नी कैसे चलती है. विश मी लक एंड लीव अ कमेंट. एंड कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोगों के साथ हुई हैं बट आप लोग कहीं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे या बोल नहीं पा रहे, बट वो आपके जहन के अंदर रह जाती हैं एंड वो आपको डेली बेसिस पे दिक्कत देती हैं. सो या दैट्स इट. आई सी यू सून. बाय.